सर अब बात कर लेते हैं इसकी सब्सिडी के बारे में, क्योंकि हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा कमेंट सब्सिडी को लेकर करते हैं, तो सब्सिडी वगैरह है आपके थ्रेसर पर सर? हमारी मशीन के ऊपर सब्सिडी है जी, फाइनेंस भी इसके ऊपर उपलब्ध है। अच्छा, फाइनेंस पर भी दे दोगे? फाइनेंस जो है हमारा टाई अप है इफ्को के साथ। हाँ जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सर अनाज की क्वालिटी के बारे में। किसान भाई आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हमने डायरेक्ट मशीन चलवाई थी सर से, तभी हमने पूरा डेमो देखा था किस प्रकार से अनाज साफ करती है। आप साइड में देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर अनाज निकल कर आ रहा है सर, वाकई में मान गए अनाज तो बहुत क्लियर निकालती है ये। जी जी जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल फास्ट क्रिएटर में। किसान भाइयों, थ्रेसर मशीन तो आपने काफ़ी देखी होंगी, लेकिन आज हम जो आपको मक्का की थ्रेसर मशीन दिखाने वाले हैं उसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी होने वाली है। तो डायरेक्ट सर से इंटरव्यू लेते हैं, सर से पूछते हैं क्या क्या इसके अंदर खास होने वाला है। जी नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया जी। सर सबसे पहले अपनी कंपनी का और अपने बारे में परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों। मैं ईश कपूर, पंजाब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जी, और सूर्या ब्रांड से हम थ्रेशर बनाते हैं जी। पिछले लगभग 1968 से हमारी कंपनी काम कर रही है जी जी, और बहुत ही उत्तम क्वालिटी के थ्रेशर्स जो है किसान भाइयों के लिए जी प्रोवाइड करा रही है हमारी कंपनी जी। तो सर आपकी कंपनी कहाँ पर पड़ती है? सहारनपुर में, यूपी के अंदर है सर ये? यूपी में सहारनपुर में। अच्छा अच्छा, ये सूर्या आपकी ब्रांड है सर? सूर्या ब्रांड है। अच्छा सर, जैसे कि मार्केट में जो मक्का की थ्रेसर होती हैं वो हम भी काफ़ी देखते हैं क्योंकि फील्ड में घूमते रहते हैं, आपने अपनी इसके मक्का की थ्रेसर के अंदर ऐसा क्या करा है जो हमारे किसान भाइयों को अच्छा लगे? देखिए ये कन्वेयर मॉडल है जी सर, सेल्फ फीड है जी, और जी, जी। इसके अंदर जो है हमारी जो है अगर जो कन्वेयर से शुरू करें जी, तो हम कन्वेयर के नीचे बाजार में जो भी आपको बाकी मार्केट में मिलेगा, हम कन्वेयर इसके कन्वेयर के नीचे चैनल प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, ये वाला चैनल ये जो चैनल है इस चैनल को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे इसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं रहती। अच्छा। कन्वेयर जो है जम के चलती है लोड वगैरह की प्रॉब्लम भी कोई इसमें कन्वेयर में कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज नहीं आती, मतलब वाइब्रेशन फ्री है। हाँ जी, वाइब्रेशन फ्री है और अच्छा। कन्वेयर बहुत स्मूथ चलती है। अच्छा, एक बार मैं दर्शकों आपको दिखाना चाहूँगा कन्वेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सर जो मक्का का भुट्टा होता है उसको इसके अंदर डाला जाता है, उसके बाद ही जाकर पूरा ये यहाँ पर जाए इसमें भुट्टा डाल देंगे, इसके बाद जाए किसान भाइयों को किसी भी कहीं पर कोई अंदर ऊपर हॉपर में फीड करने की जरूरत नहीं, यहाँ से कर देंगे, कन्वेयर अपने आप लेकर के जाएगी जी जी। और जो है उसके बाद ये इसके अंदर एलिवेटर लगा है जी जी, इस एलिवेटर से इसको इस तरह निकाल दिया जाता है। अच्छा, और ये सीधा डायरेक्ट जो है ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर, यहाँ किसान भाई अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लगा देंगे, इसके ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर सीधा जो है इसका जो मक्का का दाना है उसके अंदर जाएगा। अच्छा अच्छा, यानी कि इसको लगाने का जो उद्देश्य था सर, मतलब किसान भाइयों की जो लेबर का चार्ज वगैरह होता है वो बच जाएगा, डायरेक्ट ट्रॉली में आ जाएगा? डायरेक्ट ट्रॉली में। अच्छा, यानी किसान भाइयों का जो खर्चा वगैरह होता है वो बच जाएगा। अच्छा अच्छा सर, और क्या क्या खूबी आपने इसके अंदर करी है थोड़ा और बताइए हमें। देखिए इसके अंदर डबल टायर है इधर जी जी, इधर डबल टायर है, एक टायर उधर है, सिंगल टायर, तीन टायर पर जो है ये चलती है। अच्छा सर, डबल टायर करने का क्या मतलब था, एक भी तो आप रख सकते थे? इसको एक डबल टायर करने का इसका ये पर्पस है कि ये कभी ये मशीन जो है खेत में डॉल के ऊपर पलटने का खतरा बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब डॉल ऊंची नीची जो होती है वहाँ पर पलटने का खतरा बिल्कुल खत्म हो गया। सर अब बात कर लेते हैं इसकी सब्सिडी के बारे में, क्योंकि हमारे किसान भाई सबसे ज्यादा कमेंट सब्सिडी को लेकर करते हैं, तो सब्सिडी वगैरह है आपके थ्रेसर पर सर? हमारी मशीन के ऊपर सब्सिडी है जी, हमारी जो है मशीन बिल्कुल सब्सिडी से हर जगह अप्रूव है। अच्छा अच्छा, हर राज्य में, मतलब हर राज्य में? अच्छा अच्छा, हर राज्य में अलग अलग प्रकार से सब्सिडी रहती होगी? अलग, हर राज्य में अलग अलग तरह की है, जो उनसी अच्छा। स्कीम में आती है उसी स्कीम में जो है अच्छा। सब्सिडी जो है अच्छा, प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि हमारे किसान भाई हैं उन पर एक प्रॉब्लम होती है फाइनेंस वगैरह पर लेना चाहते हैं, हमारी कंपनी जो है जी जी, ये मशीनें हमारी सब्सिडी पर तो आप किसान भाइयों को मिलेंगी, फाइनेंस भी इसके ऊपर उपलब्ध है। अच्छा, फाइनेंस पर भी दे दोगे? फाइनेंस जो है हमारा टाई अप है इफ्को के साथ। अच्छा अच्छा, इफ्को के साथ टाई अप है। हाँ जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सर अनाज की क्वालिटी के बारे में। किसान भाई आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हमने डायरेक्ट मशीन चलवाई थी सर से, तभी हमने पूरा डेमो देखा था किस प्रकार से अनाज साफ करती है। आप साइड में देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर अनाज निकल कर आ रहा है सर, वाकई में मान गए अनाज तो बहुत क्लियर निकालती है ये। जी जी जी, अनाज साफ निकालेगी जी,
और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है किसान भाई, इसको कहीं इसको उड़ाने की कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल फ्रेश आ जाएगा। अच्छा अच्छा, अब बात कर लेते हैं कितने एचपी पर सर ये चलती है मशीन ट्रैक्टर पर? ये 35 HP से अबाव कोई से भी ट्रैक्टर पर आप चला। अच्छा, सकते किसान भाई, मैं आपको साइड से एक अच्छी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बोल्ट वगैरह सेट करे गए सर, बोल्ट वगैरह इसको टाइट मतलब ढीली टाइट करने के लिए करे गए। बेल्ट को टाइट करने के लिए एडजस्टिंग दी जाती है, जब बेल्ट थोड़ी चलने के बाद लूज हो जाती है। अच्छा अच्छा, उसके बाद इसको टाइट करके ये बोल्टों से टाइट हो जाती है और जो है बेल्ट बिल्कुल इन बोल्टों की सहायता से टाइट हो जाती है। अच्छा अच्छा सर, हम ये बैरिंग्स वगैरह जो देख पा रहे हैं जहाँ पर भी बैरिंग लग रहे हैं, बैरिंग किस टाइप के यूज करते हो सर? बैरिंग इसके अंदर ये वाले जो झरने के अंदर और ये कन्वेयर में लगे हैं ये सब, ये वाले ये यूसी हैं। अच्छा, उधर भी आप देख सकते हैं यूसी बेरिंग है, वो भी यूसी अच्छा। बेरिंग है, अच्छी क्वालिटी का यूसी बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और इधर जो मेन शाफ्ट में है जी जी, मेन शाफ्ट हमारी पूरी फुल 2.5 inch की होती है। अच्छा अच्छा, बाजार में जो भी आपको मिलेगा वो 2.5 inch का प्रॉपर नहीं होगा, ये 2.5 inch का प्रॉपर शाफ्ट है। अच्छा, इसके अंदर हैवी ब्रैकेट लगा है। अच्छा, हैवी बॉल बेरिंग लगा है। अच्छा, इधर नीचे भी जो है बॉल बेरिंग है। अच्छा, पीटीओ में भी जी जी, और जो इसका पुल्ली है ये बुश वाला है जी। अगर जी, आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है कभी, आप इसको बोल्ट को लूज कीजिए और पुल्ली बाहर आ जाएगा। अच्छा सर, ये 2.5 inch का रखने की क्या आवश्यकता थी? आप छोटा ये 2.5 inch का रखने की इसको ये है कि इसके अंदर कभी भी जितना मशीन के जितनी शाफ्ट मोटी होगी जी जी, उतनी मशीन के अंदर टूट फूट कम रहेगी, शाफ्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, शाफ्ट बेंड होने का चांस नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनके फैंस के बारे में सर, जो फैन है इनके उनकी क्या क्वालिटी आपने रखी है? मतलब ये वाला जो हम फैन देख पा रहे हैं ये जो फैन है जी, ये फैन एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये एडजस्टमेंट है। अच्छा, आप फैन की जो है एयर हवा जो है अच्छा, इसका फैन का प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, इससे मूवमेंट दे सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, फैन की स्पीड भी हम कम बढ़ती कर सकते हैं? फैन की स्पीड जो है इसके अंदर प्रॉपर रहेगी। अच्छा, और इधर जो है ये इसके अंदर ये 3 fans का मक्का थ्रेशर है। अच्छा अच्छा, 3 fans, एक उधर है, 2 fans इधर है। अच्छा, 3 fans है तो सर अनाज की तो क्लियरिटी वैसे भी आएगी, बिल्कुल क्लियर आएगा। तो इधर आप किसान भाई देख सकते हैं, इधर जो मक्का का भुट्टा होता है उसका भूसा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई भी दाना वगैरह नहीं है कि मशीन डायरेक्ट दाना फेंक नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, दबर का छिलक होता है जी, उसके अंदर कोई दाना नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं चलनी के बारे में, चलनी की क्वालिटी क्या रखी है? मतलब टूट फूट की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली? टूट फूट की प्रॉब्लम नहीं है, चलनी बंद होगी। अच्छा, ये इसको शीट से कवर कर दिया गया है, अंदर अच्छा, इसके एंगल होता है, इधर भी एंगल है नीचे की चलनी में भी। अच्छा, और इसको शीट के साथ दोनों साइड से कवर कर दिया जाता है, इसमें और मजबूती बढ़ गई है। अच्छा अच्छा, यानी कि टूट फूट की प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रही। अब बात कर लेते हैं एक्सल के बारे में सर, एक्सल तो काफी हैवी लग रहा है मुझे। एक्सल हैवी है, हैवी एक्सल यूज किया जाता है इसमें जी, वेट के हिसाब से, वेट के हिसाब से। सर ये आपने दो ये लगा रखे हैं, ये होपर यहाँ से खुलता है? इसको होपर को ये इसको फोल्डिंग किया जाता अच्छा, है होपर को, मतलब नट बोल्ट की प्रॉब्लम खत्म, नट बोल्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अच्छा, इसको होपर को फोल्डिंग कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी ब्लेड की क्वालिटी के बारे में सर, ब्लेड की क्वालिटी क्या होने वाली है? इसका जो हमारा ये इसका होपर है ये फोल्डिंग है जी, अगर इसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है किसान भाई को, पूरा टापा खोलने की जरूरत नहीं है जी, इसको खोल लेते हैं यहाँ से जी जी, ये यहाँ से खुल जाएगा जी, और इसके बाद ये इसके अंदर जो भी कोई आपको एडजस्टमेंट करनी है फसल के अकॉर्डिंगली, इसके जो बीटर हैं उसको कम ज़्यादा करना है, अच्छा घटाना बढ़ाना है तो आप उसको कम ज़्यादा इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अंदर इसके बीटर जो है, अगर जो आप इसको जो हमारी मशीन के अंदर जितने रूटर के जो भी मेन जो इसके कड़े हैं सब जो है पत्ती के बने होंगे। अच्छा, इसके अंदर कोई किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है सर, मोटी पत्ती के हैं इसके अंदर जो कड़े बने हुए हैं वो लोहे क्वालिटी तो नंबर एक है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, कड़े अच्छा, जो है ये पत्ती के हैं। अच्छा, अच्छा, और मोटी पत्ती के हैं। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं कि मोटी पत्ती के हैं और हर चीज़ इसके अंदर हैवी क्वालिटी यूज़ की गई है। अच्छा, जिससे कि कभी मेन जो मशीन का लोड है वो इसके ऊपर है। अच्छा अच्छा, यही चीज़ सबसे ज़्यादा हैवी की गई है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि हर इसके अंदर जितने भी ये बीटर लगे हैं, हाँ हाँ, जितने भी ये पूरा रूटर है, पूरा रूटर जो है हैवी लगा बना हुआ है और अंदर पूरे प्रॉपर कड़े लगे हैं जिससे किसी भी किस्म की कोई दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि सूर्य कंपनी हमेशा लोहे पर तो हमेशा ध्यान रखती है सर? उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लोहे की क्वालिटी के
कि हर चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे कंपनी ऐसा करती है यहाँ पर जो है ना नट बोल्ट लगा देती है, उसमें क्या होता है किसान भाई वो घंटा बर्बाद हो जाता है। नहीं, ये हमारी मशीन के अंदर अभी हम दिखाते हैं अगली तरफ से, अगर जो आपको कभी भी हॉपर खोलने की दोबारा जरूरत पड़ेगी तो आप इसको आगे से पूरा खोल सकते हैं, लेकिन इधर से ये इसको खोला और आपने अपना काम कर लिया, इसको आपने यहाँ से बंद कर दिया, यानी घंटों का मिनटों में हो रहा है, घंटों का काम मिनटों में हो जाए। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से बंद हो जाता है। जी जी, पल्ली साइड से तो हमने टापा देख लिया खुल जाता है, लेकिन बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारे किसान भाई इधरली साइड से भी खोल सकता है? ये जो है मेन टापा पूरा इधर से खुलेगा, ये बोल्ट्स हैं जी, ये बोल्ट्स हैं, ये बोल्ट्स हैं जी, इससे खुल के पूरा जो है इसका हॉपर जो है खुल सकता। अच्छा, खुल जाता है। सर सेफ्टी के बारे में बात करें तो सेफ्टी के लिए तो आपने सर हर तरफ से पूरा इसको ढक रखा है। इसके अंदर देखिए जो हमारी इसके अंदर वी वेल्ट्स लगी हैं, ये भी जो गियर की है, एलिवेटर की है, सब सी सेक्शन में लगी हैं। जी जी जी, मेन बेल्ट सी सेक्शन में है, इधर सी सेक्शन की बेल्ट होगी जी, और जो इसमें गियर में बेल्ट लगी है वो भी सी सेक्शन की है, एलिवेटर में सी सेक्शन की है। अच्छा अच्छा, नीचे जो ब्लोअर में लगी है, नीचे के ब्लोअर में डबल बेल्ट लगी है। जी जी, यानी कि सेफ्टी का तो हमेशा आप ध्यान रखते हो सर। पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको हर तरह से जहाँ जहाँ बेल्ट्स लगी हैं सब तरह से कवर किया गया है। अच्छा, ये भी कवर किया गया है, इधर भी कवर किया गया है, इधर भी कवर किया गया है जी जी, और ये झरने पर भी, इस पर ब्लोवर पर भी जो है इसको कवर कर दिया गया है। जी जी सर, हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, ये वाली यहाँ पर जो बेल्ट लग रही है इसका क्या कर रहे हैं सर? ये जो बेल्ट इधर लगी है ये गियर को चलाती है, इसके अच्छा। अंदर भी डबल बेल्ट है। अच्छा अच्छा, उत्तम क्वालिटी का गियर बॉक्स लगा है, इसके अंदर भी बेल्ट जो है डबल डबल बेल्ट की जो है पुली लगी है, डबल रोटर में गियर होता है उस टाइप से जी। अच्छा अच्छा सर, ये तो हो गई इसकी ओवरऑल डिटेल के बारे में बात, अब बात कर लेते हैं हमारे किसान भाई दूर से आता है खरीदना चाहता है तो वो कैसे खरीद पाएगा, या डीलरशिप के लिए कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है? हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में डीलर्स हैं जी, आप जो है डीलर से ले सकते हैं जी जी। अगर कोई ज़्यादा जानकारी की जरूरत पड़ती है तो नीचे स्क्रीन पर आपके नंबर भी चल रहे होंगे, वो जो है उन नंबर्स उनके ऊपर, बाकी मशीन के ऊपर भी आप नंबर देख सकते हैं जी। तो इन वाले नंबर पर कांटेक्ट करके, इन नंबर से कांटेक्ट करके कोई भी अगर आपको इंक्वायरी की जरूरत होती है वो आप ले सकते हैं जी। अगर हमारे किसान भाई कोई घर से सिंगल मशीन मंगाना चाहता है आपके यहाँ से, क्या आप पहुँचा दोगे सर? हमारा डीलर नेटवर्क है, जौन से एरिया में भी अगर आपको जो है किसान भाइयों को किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी जी जी, तो वो आप हमारे से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो किसान भाइयों को हमारे डीलर की का नंबर की आवश्यकता होगी, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, तो किसान भाई इससे हमारा जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करके आगे की जो फर्दर भी कोई इंक्वायरी है वो ले सकते हैं। एक बार सर आप अपना कांटेक्ट नंबर और बता दीजिए। 941 जी जी 22 3269। अच्छा, 99863 जी 09669 जी। तो किसान भाइयों ये सर का कांटेक्ट नंबर है, आप डायरेक्ट कंपनी कॉल लगा सकते हैं। डीलरशिप के लिए यदि आप बात करना चाहते हैं तो डीलरशिप के लिए कर सकते हैं, या फिर आप मशीन के लिए बात करना चाहते हैं, मशीन खरीदनी है, पूरी डिटेल में आप इस सर से बात कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार।